क्या बेच रहे हो यार? यार यार 2 पीस 300 टका दादा, मूंगफली 10 टका, 1 किलो 400 महंगा है ना, कितने का? 150 150, क्वालिटी भी सही है। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार मैं हूँ अभी बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में। यार ढाका में कल पहुँच गया था, मैंने बॉर्डर क्रॉस किया था कोलकाता के पास, एक जगह है पेट्रा पुल बेना पुल, वहाँ वाला बॉर्डर क्रॉस करके मैं बांग्लादेश एंटर किया था। लेकिन मेरी जो है ना क्लिप जो है करप्ट हो गई यार, वो वाली बॉर्डर क्रॉसिंग की, तो वो मैं नहीं डाल पाया। और आज हम ढाका का एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी मैं हूँ यहाँ पे, एक बहुत ही फेमस मार्केट है जिसको कहते हैं न्यू मार्केट, जैसे अपने इंडिया में फ्ली मार्केट होती है उस टाइप की मार्केट है। तो आज हम इस मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे प्राइजेस वगैरह कैसे हैं और कैसी है मार्केट। तो फर्स्ट डे स्टार्ट करते हैं। कितने का है? 150 का सब और खतरनाक यार भीड़ रहती है इधर बांग्लादेश में, ढाका में स्पेशली। यार मैं क्या बताऊँ, इस पूरे मार्केट में इतनी भीड़ देखने को मिलेगी आपको। कितने का? 300 टका। ओके ब्रदर। अच्छा कितने का दे रहा भाई, कितने का दे रहे हो? 200 का एक। अच्छा व्लॉग बन रहा है, व्लॉग यूट्यूब पे, ठीक है। इंडिया से, दिल्ली से। आप देख सकते हो यार यहाँ पे, हाँ मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा फील हो रहा है कि जैसे हम इंडिया की किसी मार्केट में हम लोग चल रहे हो। बहुत ज़्यादा डिफरेंस, मेरे को एक दिन हो गया पूरा यहाँ पे, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है समझ में नहीं आ रहा है इंडिया और यहाँ पे, जो मार्केट है बिल्कुल एक जैसी लग रही है। अभी मैं आपको और भी अंदर ले चलता हूँ। जो आपको इधर दोनों साइड रोड दिख रही है, ये सब न्यू मार्केट एरिया के अंदर आता है। अभी इसके अंदर एक वैसी भी मार्केट है थोड़ी सी, जो कितना क्लीन सी वाली मार्केट है। 2 पीस 300 टका। इंडिया से? हाँ। चैनल का नाम है अपना कारवां। लाइक सब्सक्राइब, सब्सक्राइब, थैंक यू ब्रदर। हेलो भाई, सब बढ़िया? तो आप देख सकते हो यार फ्रेंडली है यार बांग्लादेश में, काफ़ी लोग फ्रेंडली हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे घूमने में। और आगे भी मार्केट घूम के आते हैं, फिर मैं आपको अंदर वाला मार्केट दिखाता हूँ, बाहर वाला देख लो पहले क्या हिसाब है। देखो फूल वगैरह भी बिक रहे हैं, फूल गुलदस्ते। ये कितने का दे रहे हो? ये हाउ मच? 50 टका एक। बांग्लादेश में जो है कपड़े का काफ़ी अच्छा काम है, तो टी शर्ट के प्राइसेस जानने बड़े इंटरेस्टिंग हो गए कि यहाँ पे टी शर्ट क्या प्राइस है। टी शर्ट कितने का है? कितने का? 150 150 150। वन पीस 150। और यार टी शर्ट तो देखने में अच्छी लग रही है और क्वालिटी भी सही है। इंडिया, दिल्ली, हाँ। ये कितने का देते हो? 150 150। सस्ता लगाओ, इंडिया से लोग लेने आएंगे तो आपके पास आएंगे। अभी हम आ गए अंदर की साइड मार्केट में, और अब ये वाला जो एरिया है ये थोड़ा सा वैसा एरिया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट में। हेलो ब्रदर, यहाँ खाने पीने की आप देख सकते हो दुकानें, और फिर यहाँ पे मार्केट स्टार्ट होती है। अब मेनली जो मार्केट है वो तो यार मेनली मैं देखता हूँ कि लड़कियों के कपड़े ज़्यादा बिक रहे हैं, जैसे हमारे इंडिया में भी होता है कि ज़्यादातर जो बड़ी मार्केट है कपड़ों वपड़ों में वो लड़कियों की होती है। तो यहाँ भी मैं देख सकता हूँ उसी टाइप से ज़्यादातर लड़कियों के बच्चों के कपड़े बिक रहे हैं, देख सकते हैं। हेलो ब्रदर। और काफ़ी फ्रेंडली है यार, मतलब टू बी ऑनेस्ट मेरे को शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि यार बांग्लादेश में आके लाइक कैसा फील होगा मुझे, लेकिन अभी तक जितना भी मेरे को जैसे भी लोग मिल रहे हैं या जैसे भी लोगों ने मुझे ट्रीट किया है, मैं काफ़ी खुश हुआ यहाँ पर ट्रीटमेंट से, काफ़ी लाइक कम्फर्टेबल फील कर रहा हूँ। मार्केट आप देख सकते हो, मार्केट इधर से उधर तक पूरी ऐसे काफ़ी दूर तक जाती है मार्केट। हेलो ब्रदर। तो आप देख सकते हो कितने फ्रेंडली लोग हैं यार। अब मार्केट में आपको और भी मैं चीज़ें दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या बेच रहे हैं, कपड़े वपड़े ही मेरे को मेनली दिखाई दे रहे हैं। हेलो ब्रदर, हाउ यू? बहुत बढ़िया। हाय ब्रदर, अस्सलाम वालेकुम। हाँ हाँ दिखाओ। इंडिया, हाँ इंडिया से। 200 बिग साइज, ओके बिग साइज, ओके ओके। अच्छा ये मैं तो नहीं पहनूंगा यार। आऊँगा आऊँगा, अभी घूम के आता हूँ फिर खाऊँगा, सही है। हाँ अभी उधर आयू आ रही हो, क्या बेच रहे हो यार? यार यार ये बेच रहे हो यार? हिंदी आती है? बंगाली
बंगाली हिंदी नहीं आती? हिंदी नहीं बोलता है। अरे बोला तो हिंदी में यार, हिंदी में बोल रहे हो, हिंदी नहीं बोलता है। नहीं बोलता है। सब बढ़िया। मार्केट कब कब लगती है ये? रोज लगती है? रोज लगती है, मंगलवार बंद। मंगल को बंद रहता है? बंद रहता है। अच्छा अच्छा। और शाम को भीड़ आती है? शुक्रवार अभी अभी लोग कब आते हैं? शाम को आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सब बढ़िया। चलो भाई मिलते हैं। है क्या नाम है आपका? सलीम खान। सलीम खान, विशाल, दिल्ली से? हाँ, बंगाली। बढ़िया। और आप देख सकते हो यार, बढ़िया एकदम ट्रीटमेंट मिल रहा है हमें एकदम बांग्लादेश के अंदर। और यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी मार्केट लगी हुई है, काफ़ी चीज़ें बिक रही है यार। इधर आप देख सकते हो कि घर वर का भी सामान बिक रहा है यहाँ पे, लाइक चम्मच, कटोरी, थाली, न जाने क्या क्या, छन्नी। और लाइक एग्जैक्टली ऐसा लग रहा है कि जैसे हम किसी इंडिया के मार्केट में हम घूम रहे हैं, बिल्कुल उस टाइप का लग रहा है। और आप देखो ये अपने सर पे रख के जो बेच रहे हैं, ये बादाम कहते हैं इसको, मूँगफली। दादा मूँगफली बादाम कितना? 10% का एक। अच्छा, लोकल ट्रेन पकड़ी थी कलकत्ता से, तब भी मैंने यही देखा था कि इसी तरीके से 10-10 रुपए में छोटे छोटे पैकेट बना के मूँगफली के ये लोग बेच रहे होते हैं। टी शर्ट प्राइस कितना है? कुंटा। सब अलग अलग है? चौन। कितना? 450 टका। 450 टका एक। भाई है, भाई क्या नाम आपका? मेरा नाम इंद्र से। और इनकी दुकान है इधर, आप देखो लगा रखी है इन्होंने। कपड़े बेच रहे हो आप? जी जी। लड़कियों के? जी जी। अच्छा, कितना प्राइस है आप बताओ, थोड़ा प्राइस वगैरह बताओ। इसका प्राइस फिक्स 150 रुपया। 150 टका जी। ओके, सेम सब 150 टका। अच्छा लगा मिलके, खुदा हाफिज, थैंक यू। कच्चा आम। ये कैसे कच्चा आम ऐसे खा लेते हैं? बहुत मजा लगेगा। कैसे खाते हैं? बहुत खट्टा लगेगा। अच्छा लगते हैं, रुक रुक, अच्छा मजा, बहुत खट्टा लगता है। कम है क्या? थैंक यू। चलो भाई, बढ़िया। जैसे मैं चल रहा हूँ इधर, तो क्या बताऊँ, सब लोग हमें देख रहे हैं मुझे, और काफ़ी अच्छी से फील आ रही है। लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट करने में मज़ा आ रहा है, फ्रेंडली हैं, खुश होते हैं यार। मैंने बांग्लादेश में देखी एक चीज़ की, जैसे ही लोगों को बताओ कि मैं भैया इंडिया से आया हूँ, तो लोग बहुत खुश होते हैं। हेलो भाई, क्या हाल? प्राइस बताओ इनका। हाँ, कितना है? 400 टका। और ये सब बताओ, ये सब कितने का? 500 टका। फिक्स प्राइस होता है? नो बार्गेन। चलो भाई, बढ़िया। वैसे एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे हिंदी जो है लगभग हर कोई समझता है। आपको लगेगा कि यार हिंदी नहीं समझेंगे, लेकिन हिंदी समझते हैं लोग। और बल्कि मैं तो आपको बताऊं कि जो मैंने ज़्यादातर यहाँ पे देखा है कि लोग हिंदी सॉन्ग्स ही सुनते हैं, बंगाली सॉन्ग तो मैंने रेयरली सुना है। मैंने किसी शॉप पे गया हूँ या टहलते हुए आवाज़ आती है हमेशा हिंदी सॉन्ग की। अब यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ भी एक मार्केट है, आप देख सकते हो। यहाँ पे थोड़ा अंदर की साइड आ गए हैं और यहाँ पे एसी वगैरह लगा हुआ है, यहाँ पे ठंडा है, यहाँ अच्छा लग रहा है यार, यहाँ पे बढ़िया लग रहा है। इधर पे टहलने में मज़ा आ रहा है। क्या थोड़ा प्राइजेस बताएंगे आप इधर आपकी शॉप में? ये बॉटल वगैरह कितने का है? ये वाला 550 करके। 550 का मिल्टन है क्या? मिल्टन का है, चाइना का। अच्छा, ओके। और क्रॉकरी वगैरह अलग अलग प्राइस है। ये काफ़ी सुंदर लग रहा है, ये कितना है? 32 पीस का सेट। केवल प्लेट? डिनर सेट होता है 8000। ये एरिया भी न्यू मार्केट के अंदर आता है? एक ही मार्केट में ये पूरा कॉम्प्लेक्स है। एक है बिल्कुल एकदम सड़क की रेड़ी वाली मार्केट होती है, दूसरी मार्केट है जो आप थोड़ा सा आओगे तो भीड़ भीड़ कम मिलेगी, वो भी बाहर की साइड ही है लेकिन रोड की साइड नहीं है। और फिर ये एसी वाली है मार्केट। हेलो भाई, आप लोग क्या बेच रहे हो? बेडशीट बेच रहे हो? अच्छा, प्राइस वगैरह बताओगे आप थोड़ा? कितने से स्टार्ट हो रहा है? 750 के स्टार्ट हो रहा है। 750 टका से? हाँ। और सबसे महंगी कितना? महंगा 7200। ओके। और बांग्लादेश में तो कपड़े का काम काफ़ी है, तो आपको लगता है कि इंडिया से सस्ता है? यहाँ जैसे इंडिया से सस्ता है ना, इंडिया से सस्ता होगा ना। ये वाला अच्छा क्वालिटी अच्छा है। अच्छा क्वालिटी है, बहुत बढ़िया। देखो फ्री में मार्केटिंग हो रही है आपकी, इंडिया में लोग आएंगे इधर देखने। डिस्काउंट मिलेगा? कितना डिस्काउंट है इसका? डिस्काउंट मिलेगा 750 का, उसके लिए 700 रखेगा। 700 डिस्काउंट।
देखो यार, मैंने तुरंत तुरंत यहाँ पे एक डील आप लोगों के लिए फाइनल कर दी। आप लोग इंडिया से आएंगे भाई लोगों की दुकान में तो आपको थोड़ा सा ऑफ दे देंगे ये लोग। थैंक यू ब्रदर। तो ये पूरी मार्केट आप देख सकते हो कि स्पेशली लाइक कपड़ों के लिए लुंगी वुंगी बिक रही है, साड़ियाँ बिक रही है, आप देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आते हैं और लिटरली अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं, जो ले जाना चाहते हैं या फिर कुछ भी, तो इस मार्केट को आप चेक ज़रूर कर सकते हैं। यहाँ पे प्राइसेस काफ़ी मेरे हिसाब से सस्ते मिलेंगे आपको, क्योंकि यहाँ पे बांग्लादेश में कपड़े का काम काफ़ी ज़्यादा होता है और यहीं से बनके आप देखोगे बाहर भी एक्सपोर्ट होता है। इस वजह से आपको प्राइसेस काफ़ी रीज़नेबल मिल सकते हैं आपको इंडिया के कंपैरिजन में। हाँ इधर से दिखता है, ये लेंस है, लेंस। ठीक है। अच्छा यार, मार्केट काफ़ी बढ़िया है इधर, आप देख सकते हो इधर तौलिया वगैरह भी। हेलो भाई, कितने का दे रहे हो आप? 250 टका। और ये छोटा वाला 50 टका। इधर एसी चल रहा है, इधर एसी नहीं चल रहा है, ख़राब हो गया। यहाँ भी आप देख सकते हो लुंगी की शॉप है। तो बांग्लादेश में लुंगी वुंगी बहुत पहनते हैं लोग, तो आपको जैसे सड़कों पे अभी आप जाओगे तो देखोगे नॉर्मली लाइक जो डेली काम करने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर आपको ऐसे लुंगी में मिलेंगे। ये ट्रेडिशनल ड्रेस है यहाँ पे बांग्लादेश। और अब हम इस मार्केट का चक्कर मार के एक बाहर आ चुके हैं, और बाहर भी आप देख सकते हो कि वही सब बिक रहा है। हेलो भाई, ये बेल्ट कितने का है? 300, 400, 500, 600। अब देखो यार, बांग्लादेश के बारे में मैं आपको जैसे जैसे मैं मार्केट घूम रहा हूँ उसके साथ साथ मैं आपको बांग्लादेश के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। हेलो, बांग्लादेश के बारे में इन्फॉर्मेशन ये है यार, देखो कि बांग्लादेश जो है एक, आपको पता है कि कहीं ना कहीं एक समय भारत का पार्ट था, फिर डिवीज़न के बाद पाकिस्तान का बना, पाकिस्तान के बाद फिर एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में है। और जो ढाका है, ढाका यहाँ की कैपिटल है, और तो एरिया के एरिया और लोगों के हिसाब से देखेंगे तो वर्ल्ड में सबसे डेंसली पॉपुलेटेड सिटी में से एक ढाका है। और यहाँ पे मैं आपको सच बता रहा हूँ, 24 घंटे के अंदर मुझे अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा ट्रैफिक लगता है। लाइक आपको 10-10 किलोमीटर कवर करने के लिए दो दो ढाई ढाई घंटे लग सकते हैं यहाँ पे बहुत इजीली। लाइक इतनी भीड़ रहती है इधर और हर जगह ट्रैफिक जाम। अच्छी चीज़ ये है कि मतलब इतनी हैपनिंग, इतनी ज़्यादा लाइक आप कहोगे कि इतनी हैपनिंग सिटी है कि क्या बताऊँ मैं आपको। फ्रूट्स कैसे, ये अनार कितने का है? 1 किलो 450 का। अच्छा, 1 किलो 450 का महंगा है अनार? अनार। और सेब? 1 किलो 260। ये क्या है? ये नाशपाती। नाशपाती, ओके ओके। बांग्लादेशी मैंगो। मैंगो कितना है? मैंगो कौन सा है? मैंगो है, नाम क्या है इसका? हिमशागा है। बांग्लादेश कितना प्राइस है? 1 किलो 120 रुपए। ये जो प्राइसेस है यार, ये काफ़ी रिजनेबल प्राइसेस है हमारे यहाँ। जैसे दशहरी आम बिकता है यहाँ पे, थोड़ा सा अलग आम बिकता है। और ग्रेप्स कितने का है? 1 किलो 350 रुपए। थोड़ा सा करेंसी के बारे में बताता हूँ कि जो 1 INR होता है, 1 Indian rupee जो होता है, वो लगभग 1.31 बांग्लादेशी टका होता है। मतलब इंडिया से इनकी करेंसी थोड़ी सी वीक है। अब हम पीछे की साइड आ गए हैं, लग रहा है कि सब्जी मंडी साइड आ गए हैं थोड़ा सा। यहाँ पे फ्रूट वगैरह, यानी यहाँ भी फ्रूट वगैरह। हेलो भाई, इंडिया दिल्ली थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा ना कि हाँ भालो ओके कैरी ऑन हेलो थैंक यू बाय। एक चीज़ है यार, यहाँ पे लाइक अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको खाने की थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि जनरली जो फूड है यहाँ पे वो नॉन वेजिटेरियन ही मिलता है। बढ़िया, हिंदी समझते हो? हाँ, बांग्ला। ओके, जय बांग्ला। कितने का ये लाइक ब्रश? 30 टका। और ये छोटा वाला? 30 टका। ये भी 30, ये भी 30। ये अच्छा है कि ये अच्छा है?
एक ही कंपनी है, एक ही कंपनी है। अच्छा ओके। और कंगा 20 टका इस पुल से चढ़ के, और ये दूसरी साइड आया है। और यहाँ पे जो है मार्केट जो है बाहर की साइड लगी हुई है सड़क की साइड पे, तो एक बार यहाँ भी देखते हैं कि यहाँ पे क्या बिक रहा है, क्या प्राइसेस है, और अंदर के प्राइसेस से थोड़ा बहुत डिफरेंस देखते हैं कि कुछ है कि नहीं है। कितने का ये वाला? अच्छा 50 600 650। महंगा बता रहे हो यार। अरे 450। सब ये बांग्लादेश से है या कहीं से लाते हो? चाइना से। अच्छा ओके चाइना। ग्लासेस वगैरह थोड़े से मुझे महंगे लग रहे हैं। बाकी हिंदी समझते हो? नहीं, बांग्ला, केवल बांग्ला। पिक्चर नहीं देखते? बॉलीवुड पिक्चर नहीं देखते? मूवी मूवी देखते हो? देखो वो समझते हैं, हिंदी आता है सब। सब अच्छा। जीन्स कितने का प्राइस बताओ? मिनिमम 200 मिनिमम। दिखाना ये वाला कितने का? लेडीज़ की है यार। अच्छा नहीं, जेंट्स दिखाओ। लेडीज़ का ये 200 का है। हमारे पास सब लेडीज़ ही है। सब लेडीज़ ही है? ऑल लेडीज़। ओके, जेंट्स के नहीं है। वो 200 का है? मैक्सिमम 200-300 ये प्राइस है। ये नया है पुराना है? एक्सपोर्ट में। अच्छा ओके। यार जीन्स वगैरह भी बिक रही है, लड़कियों की जीन्स थी, 200-300 प्राइस बता रहे हैं। अब ये कुछ हिसाब है भाई यहाँ पे मार्केट में। अभी फ्ली मार्केट में हम लोग यहाँ बाहर की साइड चल रहे हैं, जो रेडी पटरी वाली मार्केट होती है। यहाँ पे प्राइस ऑब्वियसली थोड़े से सस्ते हैं। अंदर से दादा क्या है? चाट है। भेलपुरी है ये। देखो पापड़ी है। भेलपुरी कितने का है? 30 रुपये। 30 टका। ओके, क्या क्या डालते हो आप? छोले हैं? छोला क्या डाल दिया? छोला और ये समोसा। अच्छा समोसा, प्याज, कच्चा लंका, बम्बई लंका, सब लंका दो। खाना पीना जो है ना काफ़ी ज़्यादा, मतलब आपको ऐसा लगेगा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। बस थोड़ा नॉन वेज ज़्यादा मिलता है, बस यही डिफरेंट है। क्या ये आम मैंगो आम लीची? अच्छा बोरे आम हमें कुछ हमें चलता टॉप चल मिस्टी। ये मीठा है मिस्टी टॉप एटा मिस्टी। तो अचार और ये मीठा ऐसे ही है? हाँ, मीठा है, टॉक है। और ये क्या है? ये किस चीज़ का अचार है? ये पुराई मिष्टी, पुराई मिष्टी। एक तरीके से मुरब्बा टाइप का, अचार टाइप का कुछ सिस्टम है, काफ़ी टेस्टी है। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू यार, काफ़ी अच्छा है। मतलब यार, मतलब उसने मेरे को ऐसी टेस्ट करने के लिए उसने काफ़ी ज़्यादा दे दिया था। यहाँ पे काफ़ी मिल गया। ये बांग्लादेश की सबसे बड़ी मार्केट है, 440 हेक्टेयर में फैली हुई ये मार्केट है। और आपको यहाँ पे लगभग सब चीज़ें मिलेंगी, लाइक दिल्ली की कोई जैसे कोई बड़ी मार्केट होते हैं, पूरी फील उस टाइप की है। 1952 में जो है ये मार्केट जो है बनी थी यहाँ पे बांग्लादेश में, और तब से ये ऑपरेट करती है। आसपास में ढाका यूनिवर्सिटी वगैरह है, वहाँ के लोगों को सामान जो बेचने के लिए ये मार्केट बनी थी। आज आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी मार्केट बन चुकी है। तो ये थी बांग्लादेश की सबसे बड़ी मार्केट, न्यू मार्केट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड गुड बाय।